लगता है मन ये सोचने जीवन के हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी मुस्कुराए ही थे चुप हो गए जिस घर में आंगन में रहूं उसकी भी हो कर मैं ना हूं कैसे कहूं किससे देवकी जी बता रही थी कि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। मोरा स्वास्थ्य तो ठीक है। अरे तो फिर आप आई क्यों नहीं? वो आप राधिका का ब्याह देव बाबू से करके जो गलती कर रहे हैं उसे उभरने के लिए हम तो सिर्फ ठाकुर जी से आपके लिए प्रार्थना ही कर सकते हैं। क्या हुआ पंडित जी, किसी मुहूर्त में कोई दोष? नहीं नहीं, मुहूर्त तो सभी अति उत्तम निकले हैं, पर मैं किसी भी अड़चन से घबराना नहीं चाहता। राधिका से शादी करने के निश्चय ने मुझे इतनी शक्ति दे दी कि मैं हर अड़चन को पार कर सकूं और हर बाधा को जीत सकूं। देव बाबू बिल्कुल सही कह रहे हैं बाजी। अगर विवाह में बाधा डालने वाली अड़चने हैं तो हम सब की प्रार्थनाएं ही तो है ना। ये रस्म हो जाने दीजिए, आने वाली बाधाओं का उपाय भी हम सोच लेंगे माजी। नहीं दाजी माँ, ये शोभा नहीं देता। हमारे घर परिवार के मामले में कोई गैर दखलंदाजी करे है। सुशील, मैं बैठी हूँ ना यहाँ, तुम चुप करो। ठीक है, हमरे भी बंसी बजैया बैठे। शास्त्री जी, ये रसम होने देते हैं। आप देव का तिलक कीजिए और फलदान कीजिए। पंडित जी, पूजा शुरू कीजिए। बरकी माता आकर बर के ऊपर से एक मुट्ठी अक्षत उतारें और ये अक्षत कन्या के घर को भेजा जाएगा। नहीं, ये अधर्म नहीं करूंगी मैं। चुप चुप के चोरी से क्यों आया था? वो आपकी अम्मा जी ना मुझे देखते ही डांट देती है। वो घर पर नहीं है क्या? वो कीर्तन में गई है। अरे वाह, तो मुझे दही चिवड़ा खिला ना। यहाँ बैठ, मैं अभी लेकर आती हूँ।
के बाकी के लोग कहाँ हैं? सब दिल्ली गए हैं फलदान की रस्म के लिए। फलदान को क्या होता है? फलदान की रस्म शादी से पहले की जाती है। किसकी शादी हो रही है? मेरी। हाँ, अब फिर से शादी कर रहे हो? किनसे? उनसे, तेरे जीजा जी से। उन्हीं से दोबारा? क्या फर्क होगा दोनों शादियों में? बहुत फर्क है नंदू। पिछली बार सिर्फ तुमने ही मेरा चेहरा देखा था, बारात में इस बार मेरा चेहरा सब देखेंगे, सबके सामने मेरी शादी होगी। पिछली बार मेरी मांग का सिंदूर मिटाया गया था, इस बार मैं डोली में बैठूंगी। मैं भी अपने साथ लेकर चलूंगी। क्या? अरे वाह, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, देखना कि जो कुछ आपने कहा सब वैसा ही होगा। ऐसा आपने क्यों किया कान्हा? जब भी मेरी राधिका के जीवन में सुख और आनंद के क्षण आने को होते हैं, पग पग पर बाधाएं क्यों उत्पन्न हो जाती? कब तक मेरी पुत्री इसी प्रकार पीड़ा सहती रहेगी, आहत होती रहेगी? कब तक कान्हा, कब तक? वैशाली, ये क्या हो रहा है? मैं कई दिनों से देख रही हूं, तुम्हारा तो मन ही उठ गया है शादी से। हाँ, उठ गया है मेरा मन इस शादी से। मेरे बेटे की शादी है, लेकिन हर रीत हर रस्म बेमन से कर रही हूं। लेकिन अपने मैं जो कुछ भी कर रही हूं अपने बेटे के लिए कर रही हूं। आपको क्यों नहीं दिख रहा माँ जी, इतनी सारी रुकावटें, इतनी सारी अड़चने, आखिर क्यों? नहीं, इसके पहले कि मेरे बेटे की जिंदगी में और मुसीबतें आए, इस रिश्ते को यहीं तोड़ देना चाहिए। मैं जानती हूं माँ जी, राधिका एक ऐसी लड़की है जिसके न जात का पता है न कुल का, यानी हमारा वारिस वर्ण संकर कहलाएगा। लेकिन फिर भी हमने इस रिश्ते को आगे बढ़ाया। लेकिन हुआ क्या, नियति ने फिर से इशारा करना शुरू कर दिया कि ये शादी नहीं होनी चाहिए, ये रिश्ता नहीं होना चाहिए। फिर क्यों कर रहे हैं हम ये शादी? वैशाली, इतने संकट के बाद देव के विवाह का योग बना है तो तुम ये शादी क्यों रोकना चाहती हो? वो इसलिए माँ जी कि मेरे बेटे की कुंडली में सिर्फ एक विवाह का योग है, और अगर दूसरी शादी करने की कोशिश की गई ना, और उसके वजह से कोई संकट आ गया मेरे बेटे पर, तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी,
कभी नहीं माँ जी। तुम इस शादी को दूसरी शादी क्यों कह रही हो? वैशाली देखो, हम सब जानते हैं कि देव की पहली शादी एक गलतफहमी थी। उस शादी को तो देव ने तो क्या विशाखा ने भी कभी स्वीकृति नहीं दी। देव ने हमेशा राधिका से प्यार किया है और देव की कुंडली में अगर एक विवाह का योग है तो वो राधिका के साथ ही विवाह का योग है। वैशाली बेटा ये जिद छोड़ दो। देखो देव की खुशी में ही हमारी खुशी है। आपको क्या लगता है मेरे लिए मेरे बेटे की खुशी मायने नहीं रखती? लेकिन हमें इस परिवार के मान सम्मान, उसकी इज्जत, उसके बारे में भी तो सोचना है ना। एक लड़की जिसके जात कुल का पता नहीं है, कल को वो राज पुरोहिताइन बनेगी और लोग जब उससे जुड़े सवाल पूछेंगे तो क्या जवाब देंगे हम? क्या जवाब देंगे हम? प्यार की कोई कुल या जात नहीं होती है माँ। मैं राधिका से इसलिए शादी कर रहा हूँ क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। लेकिन तुम ये क्यों भूल जा रहे हो देव कि हम राज पुरोहित हैं और कोई इसकी फिक्र करे चाहे ना करे, हमें इन सब चीजों की फिक्र करनी पड़ेगी। वाह बहू, बड़े अभिमान के साथ राज पुरोहित शब्द का इस्तेमाल कर रही है। लेकिन ये भूल रही कि ये राज पुरोहित परिवार ही है जिसने हर बुरी प्रथा का अंत किया है। विधवाओं को दोबारा शादी करने का अधिकार दिलवाया है। सबको मंदिर में समान पूजा करने का अवसर दिलवाया है और घूंघट प्रथा हटवाई है। और तुम उन्हीं लोगों की फिक्र कर रही हो जो देश को सदियों पीछे धकेल रहे हैं। मैं इस घर की बड़ी हूँ और अभी भी जिंदा हूँ। उनको क्या जवाब देना मैं दूँ? उनकी फिक्र तुम मत करो। परमा जी बस। बस बहू, मैंने तुम्हें हर तरीके से समझा कर देख लिया लेकिन तुम्हारे समझ में कुछ नहीं आया। देव मेरा पोता है, इसकी शादी मैं तुम्हारी उपस्थिति के बिना भी करवा सकती हूँ, समझी? चल देव। एक मिनट अभी। माँ, मैंने आपको आज तक अपनी सारी बातें बताई, आपको अपनी हर परेशानी बताई है माँ। पहले भी आपने परिवार की इज्जत का वास्ता दिया था और अपनी कसम दी थी, पर मैं अपने प्यार को कभी नहीं भुला पाया माँ। और आज वही प्यार मेरी जिंदगी में सही मायने में आ रहा है। मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए माँ। रहने दे देव, जिस माँ को अपने बेटे की खुशी से ज्यादा समाज की खुशी की फिक्र है उसे ये सब कहना बेकार है। चल देव, चल। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम। पंडित जी आप पूजा शुरू कीजिए। लड़के की माँ को करना था
वो अब मैं करूंगी। मैंने कहा ना बैठ। समधन जी की चिंता का कारण मैं समझ सकता हूं। यदि उन्हें आपत्ति है तो शास्त्री जी, संकोच, डर और भय, ये सब मन के माने हुए हैं। मेरी बहू पता नहीं बिना बात क्यों घबरा रही है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि इंसान कर्म प्रधान है। हम अपने कर्मों से अपनी नियति बदल सकते हैं, फिर नियति से क्या डरना। आपने और मैंने जो दो आत्माओं को मिलाने का संकल्प लिया है, हम उसे पूरा करेंगे। धन्यवाद। पंडित जी, आप पूजा शुरू कीजिए। हाँ। ओम गजानन भूतगणा सेवितम् कपदजंबू फल चारु भक्षम उमासुतम शोके विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। माँ जी, बर के सर पर वस्त्र रखें। महाराज, मंत्र का उच्चारण करें। माँ जी, आप अक्षत लेकर वर के ऊपर से एक मुट्ठी उतार लें और ये अक्षत कन्या के घर जाएगा। लीजिए। माँ जी, आओ बहू। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गणध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तने हरि। अब कन्या के पिता आए और फलदान की रस्म प्रारंभ करें। पंडित जी, अब बाकी के रस्मों की मुहूर्त भी बता दीजिए। हाँ, देखिए माँ जी, मैंने इसमें सब लिख दिया है और आगे की रस्म है बृहद मोर्चा रस्म। लीजिए। हम कल सहपरिवार आप लोगों के यहाँ आएंगे आपके कुल देवता को चढ़ावा चढ़ाने। जी। आपने हमारी कुल देवी पे चढ़ावा चढ़ाया, हम भी आपके कुल देवता पे चढ़ावा चढ़ाएंगे। राधे। हो गया? तुम जानती थी कि मैं हूं? बताइए ना। हाँ, सब कुछ ठीक से हो तो गया है, पर तुम जानती हो मुझे तुम्हारी बड़ी याद आई। काश तुम यहां होती। वही तो थी आपके पास। हाँ, तुम हमेशा यहां थी।
मेरे ख्यालों में, मेरी यादों में। वो जानती हो, मैं तुमसे छुप कर बात कर लूं। अब तो कुछ ही दिनों की तो बात है। दिनों की? राधिका, बस अब कुछ घंटों की बात है। तुमसे मिलने आ रहा हूं मैं कल। यहाँ? पर नहीं, मतलब मेरा मतलब है आप आइए, पर इस तरह से अच्छा लगता है क्या? राधिका, तुम तो ऐसे घबरा रही हो जैसे मैं तुमसे छिप छिप कर मिलने आ रहा हूँ। फिक्र मत करो, मैं पूरे परिवार के साथ तुमसे मिलने आ रहा हूँ। वो भरत मूर्छा की रस्म है ना, तो तुमसे मिलने का मौका मिल गया। और हाँ, इस बार पहले से ही बता देता हूँ, तुम्हारी दोनों कलाइयों में मैं वो चूड़ियाँ देखना चाहता हूँ जो मैंने तुम्हें दी थी। हमारे प्यार की पहले तकरार की निशानी है वो। और हाँ, मैं तब तक वृंदावन से नहीं जाऊँगा जब तक मैंने तुम्हारी कलाइयों में चूड़ियाँ ना देख ली। ये देव है कहाँ? सुनो, लगता है मुझे कोई बुला रहा है। ठीक है, मैं तुमसे कल बात करता हूँ। अपना ख्याल रखना, बाय। अब मैं क्या करूँ? मैं उनका दिल नहीं दुखाना चाहती, पर चूड़ियाँ कैसे पहनूंगी? मैं तो उनसे कह भी नहीं सकती कि वो चूड़ियाँ अम्मा ने मुझसे छीन ली।